नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ ज्ञान पिपासुओं का, जिनका हिंदी साहित्य से खासा सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पिछले वीडियो से हम लिए प्रथम वर्ष के आपका जो प्रथम पाठ प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य, उसका जो पाठ है आपका डोला मरूरा दुआ, जिसके कवि कुशल लाभ या कवि कलोल हैं, उनके बारे में जो हम पीछे पदों की व्याख्या करते आ रहे हैं, आज हम आगे के जो शेष जो पाठ है आपका उसकी व्याख्या जो महत्वपूर्ण है उन पदों की व्याख्या हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहला जो पद है आपका, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो पद है वो मारवणी की विरह गाथा इसमें बताई गई है। मारवणी की एक विरहिणी नायिका के रूप में मारवणी को दर्शाया गया है, और जो किस प्रकार से एक पथिक के माध्यम से अपने ढोला यानी अपने प्रियतम को संदेश भेजती है कि वो शीघ्रता से घर चले आए, और इसी विरह वेदना में वह बहुत ही व्याकुल और बड़ी मार्मिक स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। तो किस प्रकार से पथिक के माध्यम से मारवणी अपना संदेश भेजती है, तो वो पिछले हम दो तीन जो भाग है उनसे हम ये पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपकी जो काव्य है राजस्थानी जो काव्य है, इसकी भाषा आपको पता है, जो विशेष में आप बिंदु लिखते हैं वो है आपके दुआ, इसमें छंद का प्रयोग किया गया है, और भाषा है वो डिंगल राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो विप्रलभ श्रृंगार रस की या वियोग श्रृंगार रस की इसमें जो है प्रयोग किया गया है, इसकी प्राप्ति होती है, और डिंगल इसकी भाषा है। अब आगे देखिए अगले जो पद है वो देखिए, इसमें जो पहला पद है वो है बीज न देख चहड़िया, बीज न देख चहड़िया प्री परदेश गया, आपने लिए जब उकड़ा आपके कवि कुशल लाभ द्वारा रचित ढोला मारूरा दुआ शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, ठीक है, ये लिखना है। और इसमें जो मारवणी है अत्यधिक विरह वेदना के कारण जो सावन के महीने में जो वर्षा काल है, उस वर्षा काल में जो बिजलियां हैं उस बिजली को एक तरह से अपनी जो है शत्रु के रूप में वो मानती है कि बिजली को देख करके वो डरने लग जाती है, भयभीत हो जाती है, और बिजली जो संयोगावस्था में उद्दीपन का काम करती है लेकिन वही वियोगावस्था में कष्टकारी बन गई है। तो मारवणी इसमें कह रही है कि बीज न देख चहुड़िया, बीज न देख चहुड़िया, बीज माने बिजली, बिजली को संबोधित करती हुई कहती है कि हे बिजली मैंने नहीं देख चहड़िया मैंने चढ़ी हुई आकाश में जो बिजली चढ़ी हुई है कि ये बिजली तुम आकाश में चढ़ी हुई हो, ठीक है, ये बिजली हो गई तो आकाश में बिजलियां चमक रही है। उस चढ़ी हुई बिजली को संबोधित करती हुई नायिका मरवणी कह रही है कि हे बिजली तुम आकाश में चढ़ी हुई ये नहीं देख रही हो, क्या नहीं देख रही हो, कि प्री परदेश गया, प्री मैंने मेरे प्रियतम मेरे प्रियजन, ठीक है, वो कहाँ गए हुए हैं, परदेश गए हुए हैं, गया मैंने गए हुए हैं, कि तुम्हें पता नहीं है हे बिजली, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे प्रियतम है वो परदेश गए हुए हैं, इस कारण से मैं अकेली विरह व्यथा को भोग रही हूँ, अकेली हूँ, इसलिए आप मुझे भयभीत ना करें। तो ये एक तरह से बिजली को उल्हाना दे रही है नायिका, उपालम्ब दे रही है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये बात आपको समझ में आई, तो ये बिजली को देख करके नायिका कह रही है कि बिजली क्या तुम ये आकाश में चढ़ी हुई तुम ये नहीं देख पा रही हो कि मेरे जो प्रियतम है वो परदेश गए हुए हैं, इसीलिए मैं अकेली वियोग व्यथा से पीड़ित हूँ। आगे देखिए, आपने लिए जबूकड़ा, आपन मैंने स्वयं अपने, आपन का अर्थ क्या होता है,
स्वयं या अपनी, लिए मैंने लेती है। और जबूकड़ा का मतलब होता है रह रह करके चमकना या बार बार चमकना, रह रह कर चमकना, या इसको कहेंगे बार बार चमकना। ठीक है, बार बार है वो चमक रही है बिजली, बार बार चमक रही है, जबूकड़ा का होता है बार बार बिजली है वो चमक रही है। और गड़ी लागी सहराय, गड़ी लागी सहराय का अर्थ क्या होता है, गड़ी लागी सहराय का अर्थ होता है कि गले लग रही है, आलिंगन कर रही है। सहराय का अर्थ होता है शिखर, सहराय का मतलब होता है पर्वतों के शिखर है, लागी मैंने लग रही है और गड़े मैंने गले, गले या आलिंगन कर रही है। इसका वो बिजली है वो शिखरों का पहाड़ों के ऊपर चमक रही है। अपने राजस्थान में गीत है ना, एक मुगल गीत है, ढोलेरी विशेष दो तीन बातें आप लिख देना, अनुप्रास रूपक अलंकार की प्राप्ति है, साथ साथ में आप इसमें लिखना चाहो तो भाषा है वो डिंगल राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, दुआ छंद की यति गति उचित है, भाव सौंदर्य उत्तम है, तो इस प्रकार की ये पंक्तियाँ आप लिख दो। और एक पंक्ति इसमें से लिख देना ऊपर पहली पंक्ति विशेष में आप लिख देना कि नायिका मारवाणी है वो बिजली को उल्हाना दे रही है, उपालम देती हुई बिजली को पालम देती हुई करे कि मेरे प्रियतम मेरे अभी घर पर नहीं है इसलिए तुम मुझे भयभीत मत करो, तो इस प्रकार का भाव विशेष में आप लिख लेंगे। अगला देखो बिंदु, राती जरूनी निसे भरी सुन महाजनी हर साल लगभग होती आती है, तो महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखना है ये चारों बहुत, आप ये जो पूरा पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अवश्य पढ़ेंगे। तो राती जरूनी निस भरी, नायिका मारवाणी कहती है, मारवाणी कहती है कि मैं राती राती जब मैंने रात को, ठीक है, रात को रूनी रूनी मैंने रुदन किया या रोई, निश्चय भरी मैंने रात पर, निश्चय मैंने निशा, हमने हिंदी में निशा तो निश्चय से निशा शब्द बन गया, तो निशा मतलब रात, तो रात भरी मैंने रात भर,
नायिका कह रही है कि मैं अपने प्रियतम को याद करके डोला को याद करती करती उनके वियोग में रात भर रोई, रुदन किया तो इससे क्या हुआ, सुनी महाजन ही लोई, लोई का तो होता है लोग, ठीक है, लोई मैंने लोग, महाजन ही मैंने घर के बड़े जो लोग हैं, ठीक है गुरु, ठीक है गुरु जो है या महाजन बड़े लोग हैं उन्होंने सुनी, मैंने सुनी सुनाई दी उनको भी, उन्होंने भी सुनी मेरे रुदन को, उन्होंने सुन लिया जब मैं वीरे बैठा में मुझे किसी प्रकार का भान नहीं रहा, इसलिए मैं इस पीड़ा में कष्ट में विरह वेदना में मैं पूरी रात भर रोई और उस रुदन को मेरे घर के बड़े परिवार के घर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी सुन लिया, ठीक है। और हाथाड़ी छाला पड़ा चीर निचोई निचोई, नायिका मरवणी कहती है कि हाथाड़ी मैंने हाथ में, छाला मैंने छाले, पड़ा मैंने पड़ गए मेरे हाथ में छाले पड़ गए, क्यों चीर निचोई निचोई, चीर का अर्थ वैसे वस्त्र है लेकिन यहाँ पर साड़ी या वस्त्र हो गया कि साड़ी को निचोई मैंने निचोड़ते 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 मेरे हाथों में, नायिका कह रही है मेरे हाथों में क्या हो गया, वीर बैठा के कारण उसके नेत्रों से आंसू बहे हैं, उन आंसुओं से कहते हैं उनके वस्त्र है वो भीग गए हैं और उन वस्त्रों को निचोते निचोते मेरे हाथों में क्या पड़ गई है, छाले पड़ गए हैं। ये नायिका की बड़ी मार्मिक स्थिति का यहाँ पर चित्रण हुआ है, अभिव्यंजना हुई है, प्यारे विद्यार्थियों तो ये भाव आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और विशेष आप वही लिख लेंगे, मैंने बता दिया वो मुख्य मुख्य बातें वही लिख देना। आगे देखिए अगला पद हम लेते हैं भाई, ठीक है। तो अगला पद है वो है ढोला मिल सीम बिसर सी नविया वैसी नाले सी मारू तने कर कंदही वायु से उड़ावसी, ढोला वायु सी उड़ावसी। तो इस पद में देखिए ढोला मिल सीम बिसर सी, नायिका मारू नहीं कहती है, मारू कहती है क्या कहती है कि ढोला मिल सी मैं बिसर सी, कि न तो ढोला ने न तो ढोला यानी जो प्रियतम है वो मुझसे मिले हैं मिलते हैं, न तो ढोला मुझसे मिलते हैं और न मुझे याद करते, बिसर सी मैंने भूल जाते हैं, ठीक है, या याद याद भी नहीं करते हैं, न तो मुझे याद करते हैं और न मुझसे मिलते हैं। ढोला मिल सी मैंने नहीं तो न तो जो ढोला प्रियतम है वो मुझसे मिल रहे हैं और न मुझे याद करते हैं और न भी आवसी ना ले सी, और न भी मैंने न ही न तो न ही मुझे आवसी मैंने आते हैं और ना ले सी और न ही मुझे साथ में ले जाते हैं, मुझे साथ ले जाते हैं कौन प्रियतम है वो, नायिका मरवणी कहती है कि वो मुझे नहीं ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते हैं साथ में नहीं जाते, मैं तो देखो प्रियतम ढोला प्रियतम उससे मिलते हैं, मिल सी ढोला मिल सी मैं यानी मुझसे प्रियतम नहीं मिलते हैं, मैं ही मुझे याद करते, विसर सी का होता है याद करना स्मरण करना याद करना, तो ये न याद करते हैं न आते हैं यहाँ पर और न ही मुझे साथ में ले जाते हैं। आगे देखिए मारू तड़ई करकंडई, करकंडई का होता अस्थि पंजर यानी विरह वेदना वेदना के कारण नायिका है वो शारीरिक मनोदशा अत्यधिक विकृत हो गई है और उसका शरीर सूख करके कांटा हो गया है, तो अस्थि पंजर मारू तड़ई मन मारू मन मारवणी वो है सूख करके अस्थि पंजरे हो गई है, ठीक है। मारू तड़ई करकंडई तो इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो स्थिति यहाँ पर हुई है मारवाणी की वो बहुत भयानक स्थिति हो गई है। नायिका कहती है कि अब आकर के वाइस उड़ावसी, वाइस मैंने कोवा, ठीक है, अब आकर के आप कोवा उड़ाना, नायिका है वो नाय को उपालन दे रही है, क्या कर रही है उपालन देती हुई उनको उलाहना दे रही है कि अब मेरे प्राण है वो निकल जाएंगे और मैं सूख सूख करके हड्डियां रह गई है शरीर में, अब जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो केवल आप मेरे शरीर पर जो चारों ओर जो मंडराते हुए कोवे हैं वो ही आकर के उड़ाना, बस अब तो मेरे शरीर का प्राण होने वाला है तो आकर के केवल कोवे उड़ा देना,
इस प्रकार से यहाँ पर नायिका बहुत विरह वेदना का यहाँ पर वर्णन किया है, बहुत मार्मिक वर्णन इसमें प्यारे विद्यार्थियों किया है। अगला जो पद देखिए, ये नहीं भीतरे पैस करी हुआ। जैसे गूंगे व्यक्ति का जैसे वह स्वप्न देखता है,
सपना देखता है तो वह व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति अपने उस स्वप्न को किसी दूसरे को बता नहीं सकता, क्योंकि वह गूंगा है, अपने भावों को वो बता नहीं सकता, प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए वह सुमर सुमर पचिताए, सुमर सुमर पचिताए का मतलब याद कर करके, याद कर करके वह अपने गूंगा है उस अपने स्वप्न को याद कर करके क्या करता है, पछताए मन पछतावा करता है, पश्चाताप करता है। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है मालवीय ने कि प्रेम की कहानी है वो अकथनीय, कहीं नहीं जाती और किसी से भी कहीं नहीं जाती, किसी कहीं नहीं जाए मैंने किसी से भी प्रेम की कथा कहीं नहीं जाती। ये उसी तरह से जैसे गूंगे का सपना वाया, जैसे गूंगा व्यक्ति सपना देखता है और वह सपना किसी दूसरे को बता नहीं सकता, केवल वो सुमरण सुमर पछताए का अर्थ हो गया याद कर करके केवल पछताताप ही वो करता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नायक है अत्यधिक वीरवेता से ओत प्रोत है वो इसमें भाव प्रकट किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया, उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ इसमें, भाषा डिंगल राजस्थानी है और दोहा छंद की प्राप्ति यति गति उचित है, भाव सौंदर्य बहुत ही उत्तम है। तो प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ मैं ये आपके पद है वो आज पूर्ण हुए, आपको समझ में, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से इनको आप ठीक से पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे। आप आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली जो पाठ है वो उसको लेंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।